झारखंड के कठिन भौगोलिक स्थिति और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बैठकर देश भर के लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 आरोपियों को अशोकनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करीब 3 महीने की लंबी मशक्कत और मेहनत के बाद अशोकनगर पुलिस ने 3 युवकों को अपनी गिरफ्त में लिया है। इनसे बड़ी संख्या में फर्जी सिम कार्ड, बैंक के नंबर और मोबाइल और दूसरे उपकरण बरामद किए हैं। इन लोगों से अभी तक शुरुआती जांच में करीब 20 लाख से अधिक की ठगी का मामला उजागर हो चुका है। अशोकनगर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने बताया कि बीते जुलाई महीने की 13 तारीख को आवेदक प्रेम नारायण प्रजापति निवासी बरखेड़ा जागीर ने उनको शिकायत की थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने खुद को बैंक मैनेजर बताकर ATM के नंबर लेकर 50,000 रुपए की ठगी उनसे की है। इस शिकायत की जांच जैसे ही साइबर सेल को सौंपी गई, ये सामने आया कि अलग अलग बैंक खातों से होकर ये पैसा झारखंड के गिरिडीह जिले के कुछ खातों में पहुंच रहा है। अशोकनगर पुलिस ने झारखंड पुलिस की मदद से गिरिडीह जिले में अपना सूचना तंत्र विकसित किया और संदिग्ध स्थानों पर लगातार छापेमारी अभियान चलाकर 3 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया। जो लोग पकड़े हुए हैं उनमें प्रद्युम्न मंडल, विक्रम मंडल और विष्णु वर्मा, तीनों गिरिडीह जिले के निवासी हैं। इन तीनों युवकों की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच है। सफलता हासिल हुई है। इसके अंतर्गत एक फरियादी प्रेमनारायण प्रजापति ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर 50,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसपे अपराध 520/2019 धारा 420 का धाना देहात में पंजीबद्ध किया था। इसके पश्चात पूरी साइबर की टीम को सक्रिय करके, साइबर एनालिसिस करके झारखंड से 3 ऑनलाइन जो ठगी करने वाले हैं उसका गिरोह को पकड़ा है और उसके उनमें उनसे हमें 36 एक्टिव मोबाइल सिम मिली है और 11 ATM कार्ड जिसमें इंटरनेशनल क्रेडिट और डेबिट कार्ड शामिल हैं वो प्राप्त हुए हैं, और इसके साथ में उनसे एक लैपटॉप, 6 मोबाइल फ़ोन और 2 लग्जरी मोटरसाइकिल्स के साथ में 3 आरोपियों को पुलिस अशोकनगर ने गिरफ्तार किया है। और इनसे उम्मीद है कि लाखों करोड़ों की संख्या में रुपयों में इन्होंने कई जगहों से ऑनलाइन ठगी की है और उसका पूरा प्रयास जारी है। इनकी आज पुलिस रिमांड ली जा रही है और अग्रिम पूछताछ की जाएगी। इसमें 10,000 रुपये का पूरी पुलिस टीम को इनाम मेरे द्वारा दिया गया है और पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा भी पूरे जिले को इसमें बधाई और प्रशंसा दी गई है। सर, इसमें ही सिर्फ 3 लोग थे और लोग भी हैं इस ग्रुप में? मुख्य ये 3 सरगना के 3 आरोपी हैं और इसमें अन्य लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं। हमने झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से इनको गिरफ्तार किया है, जो बहुत ही दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और वहाँ की पुलिस का भी इसमें सहयोग प्राप्त हुआ है। और अभी तक इनसे लगभग 20 लाख से ज़्यादा की फ्रॉड की जानकारी प्राप्त हो पाई है और कई ऐसे अकाउंट्स हैं जो अभी तक उन्होंने नहीं बताए हैं। इनसे जो लैपटॉप प्राप्त हुआ उसकी फॉरेंसिक एनालिसिस की जाएगी और जो मोबाइल्स प्राप्त हुए हैं इनकी भी फॉरेंसिक एनालिसिस की जाएगी और जो खाते हैं उन खातों की भी जानकारी सभी बैंकों से ली जा रही है। और मेरा अंदाज़ा है कि लाखों की संख्या में, लाखों रुपयों में इन्होंने फ्रॉड किया। सर, जो जिन खातों में ये पैसे जा रहे हैं वो सब फ्रॉड हैं या इनके खुद के वास्तविक नामों से हैं? कुछ खाते जो हैं फाइनल जो बेनिफिशियरी हैं वो इनके और इनके रिश्तेदारों के वास्तविक नामों से हैं, लेकिन